Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ. This is a beautiful new day. और ये एक बहुत ही सुंदर नया दिन है. And may we use this day to glorify our Lord by serving Him. और होने पाए हम इस दिन का उपयोग करने पाए अपने परमेश्वर की सेवा करने के द्वारा. I want to apologize to the regular listeners to these meditations. और मैं आज की सुबह क्षमा भी मांगना चाहता हूँ लोगों से जो निरंतर या लगातार इस मनन से जुड़े हुए हैं. The last 2 weeks we have been missing 1 or 2 days. वो पिछले 2 हफ्तों से 1 या 2 दिन हम कभी मनन जो है वो आपके सम्मुख नहीं रख पाए. Because of the Christmas and New Year season when we have so many programs. जबकि क्रिसमस और जो नया साल था उसके तुलना और या उसको लेकर कई सारी सभाएं हमारे कलीसिया में थी. सो वी आर इन अ न्यू ईयर और अब हम एक नए साल में हैं. एंड गॉड्स फेथफुलनेस एंड हिज मर्सीज हैव ब्रॉट अस टू दिस न्यू ईयर. और परमेश्वर की विश्वास योग्यता और दया के अनुसार परमेश्वर हमें इस नए साल में ले आया है. एंड एज वी बिगिन टुडेज मेडिटेशन टाइटल्ड फेथ Opportunity. और जैसे कि हम आज के मनन की शुरुआत करते हैं उसका शीर्षक है विश्वास के मौके. We will take two, three biblical characters and use them as our example how faith gives us opportunities to serve Him. और बाइबल से 2 या 3 उदाहरणों को या चरित्रों को हम लेंगे और इस बात को सीखेंगे कि कैसे विश्वास हमें मौकों को देता है. एंड सो लेट अस रीड फ्रॉम हिब्रूज चैप्टर 11. और इसलिए आइए इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय से हम पढ़े. वर्सेस 24-27 और 24वें वचन से लेकर 27वें वचन तक. वी रीड इन दिस पैसेज और इस वचन में हम पढ़ते हैं. बाय फेथ मोसेस When he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. And by faith he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible. विश्वास से ही मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा. उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी. विश्वास से ही राजा के क्रोध से ना डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखते हुए दृढ़ रहा. Moses was a great visionary. और मूसा एक बड़ा दर्शन रखने वाला व्यक्ति था. And I would like to point out 4 things things Moses' vision helped him to accomplish. और मैं 4 ऐसी बातों के विषय में बात करना चाहता हूँ, ऐसी 4 बातें जो मूसा के दर्शन के द्वारा उन 4 बातों ने उसकी सहायता करी. Number 1, पहली बात, his vision helped him to make difficult decisions. कि कैसे उसके दर्शन ने उसकी सहायता करी कि वो कठिन निर्णयों को ले. Now the first thing is, पहली बात, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. और उसने इस बात से को पुत्र फिरौन की पुत्री का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया. That was a difficult decision. और ये एक बड़ा कठिन निर्णय था. Because He was actually the crown prince. क्योंकि उसकी ताजपोशी तो कर दी गई थी आने वाले समय के फिरौन के रूप में. He was to be the next pharaoh. और वो अगला फिरौन ठहराने के लिए उसको नियुक्त कर दिया गया था. And he was brought up as the present pharaoh's
sister's son. और उसे जो वर्तमान में फिरौन की बहन थी उसके बेटे के रूप में वो बड़ा हुआ. Pharaoh's daughter's son. क्षमा करिएगा, फिरौन की पुत्री के बेटे के रूप में वो बड़ा हुआ. Now that was a difficult decision. और ये एक कठिन निर्णय था. He was giving up his royal position. और उसने अपने राज्य के स्थान को त्याग दिया. And he was giving up all the pleasures he has been enjoying for 40 years. Pleasures of Egypt. और वो सारे सुख विलास जो 40 सालों तक वो मिस्र में जिनका आनंद उठाता रहा उनको उसने त्याग दिया. And you can imagine how difficult that decision must have been. और आप सोच सकते हैं कि कितना कठिन निर्णय वो रहा होगा. Royalty. और राजकीयता. And all the pleasures and enjoyment connected with the royalty. और वो सारे सुख विलास जो राजकीयता से जुड़े हुए हैं. And then the crown and the throne. और उसके बाद वो सिंहासन और ताज. Now if you were in Moses's place. और अगर आप मूसा के स्थान में होते. Do you think that kind of a decision would be a easy one? Would you have made such a decision? क्या अगर आप मूसा के स्थान में होते तो क्या आपके लिए ऐसा निर्णय लेना आसान होता? So think about it. तो इस विषय में आप सोचिए. And the second thing is. और जो दूसरी बात है. Difficult decision was willing to pay the price. वो दूसरा कठिन निर्णय जो उसने लिया कि वो तैयार था दाम चुकाने के लिए. There are two things to consider here. दो बातें हैं जिनके विषय में हमें विचारना है. The price was enduring ill treatment with the people of God. और दाम ये चुकाना था कि जो परमेश्वर के लोग थे उनके संग दुर्व्यवहार होगा. Rather than enjoying the passing pleasures. और इसकी बजाय कि वो उन सुख विलासों का आनंद उठाए. He was going to endure rather than instead of enjoying. और वो तो ऐसी दुखों और पीड़ाओं से होकर के निकलेगा इसके बजाय कि वो सुख विलासों का आनंद उठाए. Now in order to take that kind of a decision. और ऐसे निर्णय को लेने के लिए what was necessary? किस बात की आवश्यकता थी? He was going to endure instead of enjoying pleasures because of a vision he had. और वो तो उन परीक्षाओं का और पीड़ाओं का दुख उठाने को तैयार था इसके बजाय कि सुख विलासों का आनंद उठाए क्योंकि उसके पास एक दर्शन था. What vision was it? और वो क्या दर्शन था? The deliverance and the freedom of his own people, the Jews, from the slavery of Egypt. और वो दर्शन था कि उसके लोग जो यहूदी लोग थे उन लोगों का छुटकारा कराना इन मिस्रियों के बंदी गृह से. And secondly, और दूसरी बात, he was going to endure criticism and ill treatment from his own people. और वो अपने ही लोगों से उसे आलोचनाओं का सामना और बुरे व्यवहार दुर्व्यवहार का सामना करना था. And that kind of ill treatment made the decision more difficult. और इस प्रकार के बुरे रवैये ने इस प्रकार के निर्णय को लेने के लिए और मुश्किल और कठिन बना दिया. The third thing. और जो तीसरी बात है. Was he was able to live for the eternal and not for the temporary. वो तो अनंत की बातों के जीने के लिए तैयार था ना कि जो अस्थाई बातें हैं उनके अनुसार जिए. And this is also very important. और ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है. What will you choose? आप क्या चुनेंगे? Eternal values or temporary pleasures? कि आप अनंत के जो सिद्धांत हैं, जो मूल्य हैं, जो बातें हैं, उन्हें चुनेंगे या अस्थाई सुखों और विलासों को? Now we as God's people. और जब हम परमेश्वर के जन हैं. What is awaiting for us for the future? और हमारे लिए भविष्य में कौन सी बातें इंतजार कर रही हैं? What better things are waiting in order for us to give up
and say goodbye to the pleasures and opportunities of this world. वो कौन सी भली बातें भविष्य में हमारा इंतजार कर रही हैं जिनके लिए हम वर्तमान में इस सांसारिक सुख और विलासों को इनसे दूरी बनाकर रखें और इन्हें खुद से दूर रखें. We have the promise of Jesus Christ of eternal life, not only just life, but we will be ruling with Jesus eternally. और प्रभु यीशु मसीह का वो अनंत जीवन का वादा हमारे पास है, वो अनंत जीवन हमारे पास है और ना केवल हम अनंत जीवन को पाएंगे लेकिन अनंत तक उसके संग रहेंगे और राज्य करेंगे. And fourthly, और चौथी बात, his vision helped him overcome fear. उसके दर्शन ने उसकी सहायता करी कि वो अपने भय के ऊपर विजय पाए. By faith he left Egypt, not fearing the wrath of Pharaoh. और वो विश्वास के द्वारा उसने मिस्र को छोड़ दिया इस बात की कोई चिंता ना करते हुए कि किस प्रकार फेरोन का क्रोध उस पर भड़केगा. How about you and me? आपके और मेरे विषय में क्या कहें? How about us? Are we fearful of taking that difficult decision to follow Christ? क्या हम डरते हैं या भय में हैं उस कठिन निर्णय को उठाने लेने के लिए, चुनाव को करने के लिए कि हमें यीशु के पीछे चलना है? एक बात को याद रखिए, every decision you make in your life, हर एक निर्णय जो आप अपने जीवन में लेते हैं, it will have a lasting impact on our generation which will be following us. इसका एक बड़ा लंबा प्रभाव हमारी पीढ़ियों पर पड़ेगा जो हमारे पीछे चलेंगी. So when you make a decision, choice, और इसलिए जब आप एक चुनाव को करते हैं, you don't make it only for yourself. तब आप अपने लिए इसे नहीं करते. Because what is your life here on earth? क्योंकि आपका जीवन इस पृथ्वी पर क्या है? It is a fleeting moment compared to eternity. और ये तो एक छोटा सा सीमित समय है जब आप इसकी तुलना अनंत से करें. And so, when you make a choice and decision, और इसलिए जब आप एक निर्णय या एक चुनाव को करते हैं, you must always remember the future generation following you. तब आपको हमेशा उस भविष्य में जो पीढ़ी आपके पीछे आएगी उसके विषय में भी सोचना है. That is very important. और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है. We may make a good decision for ourselves. और हम अपने लिए अच्छी बातों को और निर्णयों को कर सकते हैं. But then how about the future generation coming behind us? लेकिन उस नई पीढ़ी के विषय में क्या कहें जो हमारे पीछे भविष्य में आएगी? Always remember. हमेशा याद रखिए. It is important that we not only live for ourselves, but we live also for our children and their children and generations that will follow. कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ना केवल हम अपने लिए जिए लेकिन अपने बच्चों के लिए जिए और उनके बच्चों और उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जिए. Every bad decision choices will make an impact upon the coming generation. और हर एक गलत या बुरा निर्णय आने वाली पीढ़ी पर प्रभाव डालेगा. And we will regret. और हम इस बात को लेकर फिर बाद में दुख मनाएंगे. And our future generation will curse us, though we may not be around for the misfortune they are experiencing. और हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी भले ही हम उनके इधर तब तक हम ना जीवित रहे. And the fourth thing we said was, और जो चौथी बात हमने कही, his vision helped him overcome fear. उसके दर्शन ने उसकी सहायता करी कि वो अपने भय पर विजय पाए. By faith he left Egypt fearing not fearing the wrath of God. अविश्वास के द्वारा वो फिरौन के भय की चिंता कर ना करते हुए उसने मिस्र को छोड़ दिया. So always remember. और इसलिए हमेशा याद रखिए. Because of the fear of people, लोगों के भय के कारण, many of us refused to make a good choice and decision for eternity, and thus we miss out the joy of living with God and reigning with Him forever. हम में से कई उन चुनावों को नहीं कर पाते हैं और उन निर्णयों को नहीं ले पाते हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के संग चलने और उसके संग रहने पाएं. In our next meditation, हमारे अगले मनन में जो हम बुधवार क्षमा करेगा बृहस्पति को जारी रखेंगे, we will consider Caleb. हम केलब के विषय में बात करेंगे and see what Caleb's vision helped. और हम बात करेंगे कैसे केलब
के दर्शन ने उसकी सहायता करी. But for today, लेकिन आज के दिन के लिए और आने वाले दिनों में let us think seriously about Moses and how are we compared to Moses. हम मूसा के विषय में सोचें और कैसे हम अपनी तुलना मूसा से कर सकते हैं. Don't live only for the present life. और सिर्फ वर्तमान के जीवन के लिए ना जिएं. And in order to enjoy just a very short time of life, we refuse to make a strong decision for the future. और इस सीमित जीवन के लिए हम भविष्य में मजबूत निर्णयों को लेने के लिए नहीं ले पाते. So don't make that mistake. और ऐसी ये गलती ना करें. If the decision is not going to be good for the future generation, let us think twice before we make a decision. और अगर निर्णय भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा है तो उस निर्णय को लें और उसको उसके विपरीत कार्य करने से पहले हम दो तीन बार सोचें. Lord, in making decision, we need the Holy Spirit. और परमेश्वर अपने निर्णयों को लेने में हमें तेरे पवित्र आत्मा का आवश्यकता है. And also the word of the Lord. और तेरे वचन का पिता. And we have examples in the Bible of how difficult decisions were made because of the future, because of the vision for a better and more fruitful future. और वचन में वो उदाहरण है कि कैसे बड़े अच्छे निर्णयों को लिया गया कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए महत्व ठहरे. Not only for ourselves. ना केवल हमारे लिए. But for our generation. लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए. So help us, Lord. और इसलिए हमारी सहायता कर परमेश्वर. यीशु के नाम में. आमीन. God bless you, my friend. मेरे मित्रों परमेश्वर आप सबको आशीष दे. This is a great day to live. एक महान दिन है जीवन जीने के लिए. And live for God's glory. आप परमेश्वर की महिमा के लिए जिए. Make your decisions and choices with prayerful attitude and also get the guidance from God's word. और अपने निर्णय और चुनावों को आप परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर के आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार करें. आमीन. आमीन.